मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। आज ह्यूमन डेवलपमेंट विषय में भाषा विकास पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को 102 सब्जेक्ट कोड के द्वारा समझ सकते हैं। मास्टर्स इन होम साइंस यानी कि MHSC में चलने वाला 102 कोड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि 4 क्रेडिट स्कोर कर रहा है अकॉर्डिंग टू NEP, और 6 क्रेडिट इसके लिए पूर्व में प्रस्तावित था। इस सेशन में हम लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास पर चर्चा करेंगे। भाषा विकास क्या है? भाषा विकास वाणी से किस प्रकार भिन्न है? वाणी का क्या महत्व है? आज हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे। तो भाषा को हम किन अर्थों में समझ सकते हैं? कि हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। मनुष्य अपनी वाणी को भाषा के द्वारा सजाता है और अपने संवादों के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रस्तुत करता है। भाषा विकास उतना ही पुराना है जितना कि मानव विकास। मानव के विकास के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो सृष्टि की ये रचना गर्भकाल से प्रारंभ होती है। शिशु का विकास गर्भकाल के साथ ही शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर हमारा मानव विकास गुजरता है। जैसे जैसे हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे हमारी भाषा का विकास उत्तरोत्तर विकसित अवस्था को प्रदर्शित करता है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रगतिशील परिवर्तनों की इस श्रृंखला में हम जब भाषा की बात करते हैं तो वाणी के साथ हमें कंफ्यूजन होता है, हमें एक संदेह बना रहता है कि वाणी और भाषा एक ही चीज़ है, जबकि वाणी और भाषा अलग-अलग चीज़ें हैं। हम अपने विकास के आंतरिक चरणों को जब प्राप्त करते हैं या बाह्य रूपों को जब प्राप्त करते हैं, तभी हम अपने विकसित भाषा विकास को प्रस्तुत कर पाते हैं। जिस प्रकार हमारा संवेगात्मक, बौद्धिक, क्रियात्मक, सामाजिक विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी प्रकार हमारा भाषा विकास भी होता है। तो आइए चर्चा करते हैं भाषा विकास पर और वाणी विकास पर। वाणी को हम स्पीच के रूप में समझ सकते हैं। वाणी यानी कि स्पीच एक प्रकार की भाषा है जिसमें ध्वनि या शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक के द्वारा जो भी ध्वनि उच्चारित की जाती है वो वाणी नहीं होती है। जब उस ध्वनि में कोई शब्द शामिल हो जाता है तब हम उस शब्द को अर्थ के रूप में समझ सकते हो, तभी वो हमारी भाषा के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो भी उच्चारण हमारे द्वारा किया जा रहा है वो केवल ध्वनि मात्र है, उसे हम वाणी नहीं कह सकते हैं। यदि वो स्वर दो शर्तें पूरी कर रहा हो तब हम उसे वाणी के रूप में समझ सकते हैं। पहला, कि जिन शब्दों का उच्चारण बालक कर रहा है उसके अर्थ को वो समझता हो, यानी कि उसे ज्ञात हो कि वो जो शब्द उच्चारित कर रहा है उसका क्या अर्थ है और उसका आपस में संबंध है या नहीं, या जो वो कहना चाहता है उसको वो किस प्रकार से प्रस्तुत कर पा रहा है। जैसे यदि वो पा पा की ध्वनि उच्चारित कर रहा है परंतु वो पा पा का अर्थ नहीं जानता है तो ये वाणी के संदर्भ में समझी जाएगी, और यदि वो पा पा ध्वनि को पिता के रूप में समझ सकता है, पिता के संदर्भ में उच्चारित कर रहा है, तो इसे हम भाषा के रूप में समझ सकते हैं। नंबर 2, बालकों
द्वारा जिन शब्दों का उच्चारण किया जाए उन्हें सभी व्यक्ति आसानी से समझ सकें। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग बालक के संपर्क में रहते हैं, बालक के निकट रहते हैं, सिर्फ वही लोग भाषा के उन शब्दों को या बालक के द्वारा उच्चारित की जाने वाली उन ध्वनियों को समझ सकते हैं कि उनका जो बालक है या जो शिशु है वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। अब हम बात कर रहे थे भाषा और वाणी में अंतर की, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच। लैंग्वेज और स्पीच दो अलग अलग संदर्भ हैं। वाणी और भाषा समानार्थी शब्दों में नहीं गिने जा सकते हैं, जबकि अधिकतर लोग दोनों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं और कई बार एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग कर लेते हैं। मगर इन दोनों पदों में अंतर है। क्या अंतर है? कि भाषा जो है वो वाणी के प्रत्यय से अधिक व्यापक है। भाषा के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान सम्मिलित होता है। जैसे हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, पढ़कर कर सकते हैं, अपने संकेतों और अपने हाव भाव के माध्यम से, अपने जैसे कौशल के माध्यम से भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी कि जो हमारा मुखमंडली है, प्रकाशन है, उसके माध्यम से भी हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं हर्लॉक, इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ बी हर्लॉक। तो एलिजाबेथ बी हर्लॉक के अनुसार वाणी भाषा का ही एक रूप है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ एवं शब्द अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भाषा के अंतर्गत कम्युनिकेशन के वो सभी मीडियम, वो सभी माध्यम आते हैं जिनमें विचार एवं भावना प्रतीकात्मक ढंग से अर्थों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करती है। वाणी भाषा का ही एक रूप माना जाता है। वाणी के द्वारा ही हम भाव को व्यक्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास वाणी नहीं होगी तो हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार यदि हम बोल ना पाए, हम गूंगे हों, तो हमारे वाणी के अभाव में भाषा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। मुख से ध्वनि जो निकलती है उसमें हम शब्दों को उच्चारित करते हैं और शब्दों का उच्चारण हमारे भाषा के लिए अति आवश्यक है। बाल्यावस्था का जैसे ही आरंभिक काल प्रारंभ होता है, वैसे ही हमारे जो वाणी है वो उच्चारण के रूप में शब्दों के साथ संयोजित होने लगते हैं। और जो वाणी में शब्द हम निकालते हैं, उच्चारित करते हैं, वो शुरू में अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट का तात्पर्य है कि उसे एक सामान्य व्यक्ति सरलतापूर्वक नहीं समझ सकता। वो अनियंत्रित होती है, वो कब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसका उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता है। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे वो अपने बचपनावस्था बाल्यावस्था को पूर्ण करते हुए अपनी वय संध्यावस्था किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे उनकी शब्दावली की संख्या, शब्दों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। वोकैबुलरी स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, वोकैबुलरी अपडेट हो जाती है। जितनी ज़्यादा अपडेट वोकैबुलरी होगी उतने ज़्यादा शब्द उनके पास होंगे और उतना अच्छा ही वो उच्चारण स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। वाणी का विकास क्या है? वाणी का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक से तात्पर्य होता है कि जो लगातार चल रही है। जैसे जैसे हम वाणी को प्राप्त करेंगे, वाणी का प्रदर्शन करेंगे, वैसे वैसे हम अपनी भाषा विकास को प्रदर्शित करेंगे। अब हम बात करेंगे वाणी के महत्व की। क्या इम्पोर्टेंस है हमारी स्पीच की? हमारी स्पीच की इम्पोर्टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? यदि हमारी स्पीच के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण हो रहा है, यानी कि हमारे द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वाणी सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक है, तो वो हमारी वाणी की महत्वता का प्रदर्शन है। यदि हमारी वाणी सामाजिक मूल्यांकन में लाभप्रद हो रही है तो ये हमारी वाणी के महत्व का प्रदर्शन है। यदि हमारी वाणी शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक हो रही है तो ये हमारी
वाणी के महत्व का प्रदर्शन है। यानी कि इन सभी प्रक्रियाओं में हमारी वाणी सहयोग करती है। अब हम बात करेंगे भाषा विकास की, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विचार एक विनिमय का साधन है, और विनिमय से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि ऐसा आदान प्रदान जिसमें एक आधार भी हो। तो सामाजिक आदान प्रदान का आधार भी है, हम अपने संवादों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, और जो श्रोता है वो हमारे उन संवादों को ग्रहण कर रहा है और उससे ज्ञानार्जन की ही पूर्ति कर रहा है। हर लॉक के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के समक्ष हम अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं, शक्ति और क्षमता का प्रयोग करते हैं, वही भाषा है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। इट मीन्स लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स। यदि हम अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाएँ, दूसरे उसको ना समझ पाएँ, उसमें हमारी क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन ना हो पाए, तो वो भाषा की श्रेणी में नहीं आएगा। ब्राउनफील्ड के अनुसार जब हम अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और जो क्रिया हम करते हैं उस क्रिया को भाषा के रूप में समझा जा सकता है कि अन्य लोगों के साथ हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, अपनी भाषा का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं भी हैं। भाषा विकास की क्या अवस्थाएं हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि भाषा का विकास तो हम समझ रहे हैं, मगर उसकी अवस्थाओं को कैसे समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो तुरंत उसको रोने की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाती है। यदि वो नहीं रोता है तो उसको मुख से श्वास प्रदान कर अलग से उसे कृत्रिम श्वसन की प्रोसेस कराई जाती है और कोशिश की जाती है कि शिशु रोना प्रारंभ कर दे। जैसे ही शिशु रोता है सिद्ध हो जाता है कि शिशु में ऑक्सीजन का संचार सफलतापूर्वक हो रहा है और वो एक जीवित प्राणी के रूप में, एक जीवित मनुष्य के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। अब भाषा को उसके साथ कैसे हम संबंधित करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि हम गूंगे होंगे तो हम अपनी भाषा का प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ जेस्चर के माध्यम से, पोस्चर के माध्यम से कर पाएंगे, वाणी के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। तो वाणी का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, भाषा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाषा का विकास होना भी आवश्यक है। बालकों में भाषा विकास जो है वो एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो कि शुरू तो हो जाती है शिशु के जन्म के साथ ही। यानी कि जैसे ही आपका प्रथम क्रंदन, प्रथम क्राइंग आप प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही आपकी भाषा का विकास हो जाता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत व्यक्ति भाषा से संबंधित तथ्यों को सीखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समय समय पर अपनी भाषा में उपयुक्त होने वाली शब्दावली और शब्दों को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आप वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे आपकी जो भाषा है उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, ये हम आपको अभी बता चुके हैं। तो कैसे वृद्धि होती है, प्रारंभ में आप रोते हैं, क्राइंग करते हैं, क्राइंग के बाद आपके रोने का जो तरीका है वो बदल जाता है। आप कुछ आवाज़ों के साथ कभी कभी रोते हैं, जैसे कि अगू अगू अगू, ऐसी आवाज़ें आप निकालते हैं। कभी कभी आप खुशी के साथ और कभी कभी दुख के साथ चीखते हैं, लिटरली चिल्लाने की आवाज़ें जो आपके अंदर से आती हैं वो अचानक से होती है, उसका आपको भी पता नहीं होता है कि वो आवाज़ें आपने क्यों निकाली। अस्पष्ट उच्चारण का प्रारंभ यहीं से होता है और उन आवाज़ों को एक स्वरूप प्रदान करने का काम भाषा करती है। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यदि हम उनको उदाहरण के रूप में समझें, तो यहाँ पर कई धर्म, कई भाषाओं का चलन सामान्य रूप से देखने को मिलता है। यदि शिशु किसी विशिष्ट जाति का है,
किसी विशिष्ट श्रेणी में है। श्रेणी से यहाँ तात्पर्य है कि वो अलग प्रकार की भाषा को बोलने वाला है। तो वो जब अपने आसपास के वातावरण में लोगों को अलग प्रकार की भाषा बोलते हुए देखता है, उनके उच्चारण को समझने का प्रयास करता है, उनके शब्दों को सीखता है, वही वो अपने व्यवहार में ले आता है और वैसे ही व्यक्तित्व को वो प्राप्त करता है। वो गुजराती भी बोल सकता है, वो कन्नड़ भी बोल सकता है, वो मद्रासी भी बोल सकता है, वो बंगाली भी बोल सकता है। ये निर्भर करता है इस बात पर कि वो किस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में या किस प्रकार के वातावरण में बढ़ रहा है, कहाँ उसका नर्चर हो रहा है, कहाँ पालन पोषण उसका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा विकास के क्रम में। तो हम बात कर रहे थे भाषा विकास की अवस्थाओं की। भाषा विकास की अवस्थाएं दो तरीके से हम समझ सकते हैं, दो तरीके से इसको जाना जा सकता है। एक, जब हम बोलना प्रारंभ नहीं कर चुके हैं, यानी कि अभी हमारे पास शब्द नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ आवाज़ है। प्री स्पीच फॉर्मेशन के रूप में इसको समझा जा सकता है, यानी कि वाणी पूर्व अभिव्यक्ति। वाणी पूर्व अभिव्यक्ति और कुछ वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। वास्तविक भाषा और वाणी पूर्व अभिव्यक्ति की हम जब बात करेंगे, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वाणी पूर्व अभिव्यक्ति, यानी कि प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसे हम तीन सब टाइप्स के द्वारा समझ सकते हैं। पहला, रोना या क्रंदन, इसे क्राइंग कहा जा सकता है। कूकना या बबलाना, कूइंग एंड बैबलिंग। और थर्ड वन है हाव भाव, इसे हम जेस्चर के रूप में समझ सकते हैं। तो बात हो रही थी वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार, यानी कि अभी हम स्पष्ट वाणी के साथ, स्पष्ट भाषा के साथ प्रस्तुत नहीं हैं, सिर्फ कुछ आवाज़ें हम प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ आवाज़ों के साथ कुछ हाव भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ उसकी बात हो रही है। तो हमने आपको फर्स्ट चीज बताई थी कि रोना या क्रंदन, जो कि जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, और दूसरा हमने आपको बताया कूइंग अथवा बैबलिंग। तो कूइंग अथवा बैबलिंग ये कब प्रारंभ होती है, कई बार आप लोगों से इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। जो बच्चे अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कूइंग और बैबलिंग कब प्रारंभ होता है। तो प्रथम माह से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन प्रदर्शन इसका नहीं होता है। प्रथम माह में ही शिशु के मुख से अचानक कोई शब्द या कोई ध्वनि निकलता है और शिशु बार बार उसी ध्वनि को रिपीट करता है, जैसे बा 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 बा, मा 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 मा, पा 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 पा। दैट्स अ बैबलिंग, बबलाना इसी को कहा जाता है। और कभी कभी रोने के अलावा जब वो आवाज़ें निकालता है, जैसे आप किलकारी के रूप में समझते हैं, और उस आवाज़ के साथ वो इंजॉय करता है, आनंदित होता है, तो वो हमारे कूकने के रूप में समझी जा सकती है। अब हमारा जो बैबलिंग है, यानी कि जो बबलाने की प्रक्रिया है, वो लगभग शुरू हो गई है, लेकिन इसका अंत कब होगा? तो दो माह से पूर्ण रूप से बैबलिंग, क्योंकि इससे पहले मिली जुली अवस्था देखने को मिलती है। क्राइंग, कूइंग और बैबलिंग मिक्सिंग में चलती हैं, लेकिन दो माह का जब शिशु हो जाता है, दो माह में पूर्ण रूप से हम बैबलिंग की अवस्था के रूप में समझ सकते हैं दो माह को, जबकि शुरू हो गया है पहले ही। लेकिन दो माह का समय जो है वो हमारे बैबलिंग का सही समय है। दो माह में हम पूर्ण रूप से बैबलिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं ऐच्छिक रूप से, और जब हम जो ध्वनि निकालना चाहते हैं उस ध्वनि का प्रदर्शन हम करते हैं। और बार बार यदि निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शिशु उस ध्वनि के द्वारा आनंदित हो रहा है और उसकी भाषा का विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। 6 से 8 माह का जब शिशु हो जाता है,
तब उसकी जो बैबलिंग है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और बबलाने का या बैबलिंग करने का कोई भी तात्कालिक मूल्य नहीं होता है, कोई उसका मतलब नहीं है वो क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि बैबलिंग जो बच्चे करते हैं उन बच्चों का भाषा विकास तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है और इसे स्वर यंत्र के व्यायाम के रूप में लोग पसंद करते हैं कि इसी बहाने हमारा जो स्वर यंत्र है वो एक्टिव हो रहा है, उसमें जो है क्रियाशीलता बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे अपना जो हमारा थर्ड वन पॉइंट है, हाव भाव या जेस्चर, यानी कि हमारे अभिव्यक्ति का जो तीसरा स्वरूप है जिससे हम अपने स्वभाव के प्रदर्शन का एक जरिया बना लेते हैं, यानी कि अपने स्वभाव के स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए हम जेस्चर का प्रयोग करते हैं। किसी को इशारे से बुलाना, किसी को इशारे से मना कर देना, आँखों के द्वारा इशारा करके मना कर देना, या किसी को जैसे आप टाटा बाय बाय करते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका जेस्चर है, एक हाव भाव है जिसके द्वारा आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो अपने हाथों पांव की हलचल के माध्यम से भी आप अपने अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और बालक अधिकांश अपने हाव भाव के द्वारा यदि अपनी भाषा का या अपने विचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उसी को समझना प्रारंभ कर दें तो वो बच्चे देर से बोलना प्रारंभ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनका जो संवाद है वो समझ पा रहे हैं। अगर उसने इशारे से दिखाया अपने टमी पे हाथ रख के कि मुझे भूख लगी है, आप समझ गए कि उसको भूख लगी है, तो फिर वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है। अगर उसने ग्लास उठाया और आपसे कहा कि दिखा दिया खाली, उसने कुछ बोला ही नहीं इशारे से, तो आप समझ गए कि उसको प्यास लगी है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि हमको पानी पीना है। तो हम अब जब जेस्चर की बात करेंगे, जो बालक जेस्चर का प्रयोग पहले करते हैं वो बालक देर से बोलना प्रारंभ करते हैं और जो बालक जेस्चर का प्रयोग बाद में करते हैं वो बालक जल्दी बोलना प्रारंभ करते हैं, ऐसा अध्ययनों में पाया गया है। हाव भाव में आप और कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे यदि आप शिशु को भोजन करा रहे हैं, खिला रहे हैं और शिशु लगातार अपने भोजन को करने के दौरान मुँह चला रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी ये खाना और खाएगा, ये बालक जो है वो भूखा है। और यदि वो अपने भोजन को मुंह से निकाल दे रहा है, इसका अर्थ है कि भूख अब मिट गई है। या वो दूध का गिलास या कोई बॉटल या कोई खाने की सामग्री देख के अपना मुंह फेर लेता है, इसका अर्थ यह है कि वो इस चीज़ को लेने में इच्छुक नहीं है। या वो किसी भी वस्तु के पास पहुँच के उसको उठा के आपको दिखा रहा है, इसका मतलब उसकी इच्छा है कि वो वस्तु को लेना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। यदि बालक किसी भी चीज़ को देख के रो रहा है बार बार, तो या तो वो उस चीज़ से डर रहा है या फिर वो उस चीज़ को पाने की ज़िद कर रहा है। ये निर्भर करेगा उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे। अभी हमने आपको बताया था कि हमारा जो मुखमंडल है उसका जो प्रदर्शन है वो कैसे भाव प्रस्तुत कर रहा है, उसके दुख के भाव हैं या उसके खुशी के भाव हैं, उनको हमें समझना होगा, तब हम उसकी उस अभिव्यक्ति को ज्ञात कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों की। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी भाषा है उसमें वाणी से पूर्व अभिव्यक्ति, यानी कि पहली अवस्था क्या है, पहले की अभिव्यक्ति, प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और अब हम दूसरी बात कर रहे हैं वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, यानी कि स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे विकसित होने के बाद, यानी कि हम जब वृद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, स्पष्ट रूप से बोलना सीख जाते हैं, तब हम वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैसे कैसे हम वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला है हमारा आकलन शक्ति, फर्स्ट पॉइंट है आकलन शक्ति, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन पार है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्या बालक बताना चाहता है या
जो बालकों में शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो क्या अभिव्यक्त कर रहा है। तो व्यक्ति या बालक के द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द हैं उनको ही वो जब कॉपी कर रहा है, यानी कि जो बालक कॉपी कर रहा है, हम बोल रहे हैं कोई चीज़, बालक उसे कॉपी कर रहा है और वो फिर उसका आकलन करके बोल रहा है। जैसे हमने बोला कार कार कार, तो वो भी बोलेगा कार कार कार। लेकिन अगर हमने कहा मोटर गाड़ी, वो जो फ्रिक्वेंटली बार बार मोटर गाड़ी सुनेगा तो वो कार नहीं बोलेगा, वो मोटर गाड़ी ही बोलेगा, क्योंकि उसने अपने आकलन में ये पाया कि हम कार नहीं बोल रहे हैं, हम मोटर गाड़ी बोल रहे हैं। या हम कहते हैं ट्रेन को चुच्चू गाड़ी, तो बालक हमारे शब्दों के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो आकलन कर रहा है और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने से पहले वो हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शब्दों को ध्यान देखता है, हमारे हाव भाव को देखता है और उसी के आधार पर सीखता है। दूसरी चीज़ है प्रेंसिएशन, प्रेंसिएशन या उच्चारण। प्रेंसिएशन हमारा कैसा है, बहुत से लोग घरों में दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, अइबे जइबे खइबे खाबो जाबो आबो, या किसी अदर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कोई मद्रासी बोलता है, कोई गुजराती, कोई कन्नड़, कोई बंगाली, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई उर्दू के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, या कहीं फारसी जर्मन वगैरह बोली जाती है। तो जैसी लैंग्वेज और जैसे टर्म्स हम यूज़ करते हैं बालक उन शब्दों को सीख लेता है और उन शब्दों को अपने भाषा में प्रयोग करता है। यदि हमारे घरों में किसी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने का एटमॉस्फेयर है तो बालक उसे सीख लेगा और वो वैसे ही प्रदर्शन करेगा, वैसे ही उच्चारण करेगा। यदि हम खाबो जाबो आबो बोलेंगे तो बालक भी खाबो जाबो आबो बोलेगा, वो खाओ जाओ आओ नहीं बोलेगा। तो ये क्या है, प्रेंसेशन, यानी कि विकास के अनुक्रम में जब हम सही उच्चारण नहीं प्रस्तुत करेंगे तो बालक सही उच्चारण को नहीं सीखेगा, वो वही सीखेगा जो वो देखेगा, जो वो सुनेगा। और ये उस पर भी निर्भर करता है कि वो व्यक्तिगत रूप से सामान्य अन्य बालकों से कितना भिन्न है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक चीज़ों को सीखता है, ऑब्जर्व करता है और उसका फिर अपने में रोल प्ले करता हुआ प्रदर्शित होता है। थर्ड है हमारा शब्दावली या वोकैबलरी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शब्दों की जो संख्या होती है प्रारंभ में सीमित होती है, हम कुछ ही शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे हम बोलें क, तब थोड़ा सा विकास होगा, का, फिर हम कहेंगे काका आ खा, काका आके खा। तो हमारा जो सेंटेंस है वो फॉर्मेशन होने के पहले हम शब्दों को अलग अलग समझते हैं, फिर हम शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलते हैं, यानी कि पहले एक शब्द, फिर एक के साथ मिलकर दो शब्द, दो फिर चार फिर छः आठ, धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन होता जाता है। इसीलिए प्रारंभ के समय हमें सिर्फ चीज़ों को पहचानने वाले बुक्स पिक्चर्स फिगर्स दिखाए जाते हैं, जब हम उनका नाम जान जाते हैं तब हमको उनसे संबंधित और चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमको पहली बार में ही पूरा एक ऐसे बता दिया जाए, ऐसे के लिए भी हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम तब दे पाते हैं जब हमारे पास शब्द ज़्यादा हों। जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे आपका ऐसे भी लेंदी होता जाता है। उससे पहले आपको एक जैसे सेंटेंसेस वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर उनके विरोधाभासी शब्द सिखाए जाते हैं, तो आपका जो व्याकरण है वो अभी प्रारंभ नहीं हो पाता है। लेकिन बालक जो व्याकरण प्रयोग में ला रहा है उसमें संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग अधिकतर उसकी शब्दावली में देखने को मिलता है। वोकैबलरी हमारी आयु के साथ बढ़ती है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। शब्द संख्या भी, जैसे 2 वर्ष के पश्चात 3 से 4 शब्दों का वाक्य देखने को मिलेगा। धीरे धीरे भाषा का विकास होता है और हम शब्दों को बढ़ाते जाते हैं। 2 से 6 माह में लगभग 150 शब्द हम सीख लेते हैं और उसी के आधार पर हम अपने विकास, अपनी भाषा के विकास का प्रदर्शन करते हैं। 2 वर्ष में 300 शब्द और 5 वर्षों में 5,000 शब्दों का हम प्रदर्शन कर पाते हैं। और अब हमारा
नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य निर्माण यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो शब्दावली हम प्रयोग करते हैं वो ही हमारे सेंटेंस में काम आती है। जब हम विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग कर रहे हों, जैसे रंग से संबंधित, संख्या से संबंधित, समय से संबंधित, अशिष्ट शब्द भंडार से संबंधित, धन से संबंधित, शिष्टाचार से संबंधित, सौगंध से संबंधित, तो उसी के आधार पर हम अपने वाक्य का निर्माण भी करते हैं। तो जैसी शब्दावली हमें प्रयोग में लानी है उसी के आधार पर हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। जैसे 18 माह का बालक दो शब्दों को जोड़कर उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। भाषा विकास है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।